नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों सी शार्प प्रोग्रामिंग में .NET फ्रेमवर्क में हम लोग डेट टाइम पिकर को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जिसमें दोस्तों हम लोगों को डेट टाइम की जरूरत पड़ता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई एप्लीकेशन में आप लोगों को यूजर का डेट ऑफ बर्थ का जरूरत पड़ता है या आप लोगों को टाइम शो करना होता है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप लोग डेट टाइम पिकर को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो 2022 में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों विजुअल स्टूडियो 2022 को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे विंडोज फॉर्म सिलेक्ट करेंगे, ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग मेरे पिछले ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो दोस्तों आप लोग यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहां पे एप्लीकेशन का नाम देंगे, जैसे यहां पे मैं दे देता हूं डेट एंड टाइम पिकर इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों क्रिएट बटन पर हम लोग क्लिक कर देंगे, तो ये होगा क्या दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों जब तक हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होता है तब तक दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों हमारा जो फॉर्म वन है प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से बिल्ड हो गया है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा इसको कस्टमाइज करते हैं कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों इसको थोड़ा प्रॉपर्टी वाले सेक्शन को बड़ा कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें इसका फॉर्म का जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने किया, यहाँ पे होगा इसका फॉर्म का नाम, यहाँ पे इसका नाम रख देंगे डेट टाइम, बस यही रख देते हैं इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ बनाते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लीजिए एक लेबल लगाते हैं पहले, दोस्तों यहाँ पे एक इमेज बॉक्स लगाते हैं, पिक्चर बॉक्स इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, इसको लगाते हैं। यहाँ से दोस्तों हम लोग एक पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई भी पिक्चर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों मैं एक यहाँ पे पिक्चर सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक लेवल लगाते हैं जो कि दोस्तों यहाँ पे एक इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक लेवल लगाते हैं, इसका जो नाम प्रॉपर्टी है इसमें थोड़ा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जैसे नेम हो गया नेम। इसके अंदर दोस्तों हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इसके इसका जो इसमें कुछ करवाते नहीं, इसी रहने देते हैं डिजाइन के लिए, बाकी जो हमारा जो मेन जो इम्पोर्टेंट काम रहेगा वो रहेगा। उसके बाद दोस्तों फिर से एक लेवल लगाते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको कर देते हैं, इसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देंगे जेंडर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को कॉम्बो बॉक्स लगाना है। आप लोग ध्यान देंगे अगर पिछले वीडियो को आप लोगों ने फॉलो किया है तो वहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने कॉम्बो बॉक्स के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा था, तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला कॉम्बो बॉक्स, ये कॉम्बो बॉक्स हो गया। इसके अंदर दोस्तों हम लोग कुछ आइटम दे देते सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो आइटम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे दे देते हैं मेल फीमेल, उसके बाद दे देंगे दोस्तों अदर। ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक और चीज लगाएंगे जो कि रहेगा दोस्तों हमारा मेन, जो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे इसका जो नेम प्रॉपर्टी है इसको हम लोग चेंज करेंगे टेस्ट प्रॉपर्टी, डेट ऑफ बर्थ, तो ये हो गया दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे लगाएंगे डेट टाइम पिकर, यहाँ पे आप लोग देखेंगे डेट टाइम पिकर, तो इसको हम लोग यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से ये आ गया, इसको इस तरीके से आप लोग यहाँ पे रिसाइज कर सकते हैं। इस इमेज बॉक्स को आप लोग चाहे तो इस तरीके से बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो ये हो गया दोस्तों हम लोग। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इस एप्लीकेशन को रन करते देखते किस तरीके से आता है।
तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों आप लोग अपना एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है डेट टाइम पिकर, कुछ इस तरीके से। अगर दोस्तों आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको बहुत तरीके से हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे इसको पहले बंद कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग डेट ऑफ बर्थ वाला जो हम लोगों ने डेट टाइम पिकर को सिलेक्ट किया, इसमें दोस्तों आप लोग बहुत तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका जो पहला फॉर्मेट आता है, यहाँ पे देखें दोस्तों, इसका जो पहला प्रॉपर्टी है फॉर्मेट, इसको आप लोग यहाँ पे देखेंगे, उसमें दोस्तों लिखा हुआ है लॉन्ग। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे चेंज करें और शॉर्ट कर दें तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से शॉर्ट होगा। पहले दोस्तों डेट दिखा रहा है, उसका बाद मंथ, उसके बाद ईयर। और दोस्तों यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है टाइम। अगर दोस्तों इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ दोस्तों जो टाइम हुआ है अभी वही दिखाएगा। अगर दोस्तों हम लोग और भी यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ है, अगर दोस्तों इसको कर देते हैं तो दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर में टाइम रहेगा वो यहाँ पे दिखाएगा। और दोस्तों इसको हम लोग कस्टम करने के बाद और भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें, कस्टम फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है। कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे चाहते हैं, अगर दोस्तों ईयर पहले दिखे तो यहाँ पे आप लोग चार बार वाई टाइप करेंगे, और दोस्तों कुछ उसके बाद चाहते हैं कि मंथ दिखे तो दो बार आप लोग मंथ टाइप करेंगे। उसके बाद चाहते हैं डेट दिखे तो कुछ इस तरीके से आप लोग टाइप कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखें उसी तरीके से हो गया। पहले ईयर आ गया, उसके बाद मंथ आ गया, उसके बाद डेट आ गया। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं डेट टाइम पिकर को। अगर आप लोग चाहते हैं कि दोस्तों कि इसमें जो वैल्यू दिखे, वैल्यू यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ पे नहीं दिखे, तो दोस्तों आप लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कस्टम में करने के बाद दोस्तों इसको कस्टमाइज करना होगा। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों कस्टम फॉर्मेट में, यहाँ पे जो मैंने बताया इसको दोस्तों आप लोग फॉर्मेट में कस्टम करेंगे, और कस्टम फॉर्मेट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग इसको हटा देंगे। और यहाँ पे देखें, हटाने के बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तब पर भी देखेंगे तो दोस्तों ये है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्पेस दे देंगे। तो आप लोग स्पेस देने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये हट गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहले रन करते हैं, देखते हैं दोस्तों ये काम कर रहा है कि नहीं। अब देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये तो आ गया। अब दोस्तों इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और कोई भी डेट सेलेक्ट करते हैं तो देखेंगे तो दोस्तों ये यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये देख लेते हैं। तो जो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस दिया था, पहले तो दोस्तों स्पेस को हम लोग हटा देंगे। और दोस्तों अब रन करते हैं, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस बार यहाँ पे एम्प्टी नहीं रहा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये डेट भी चेंज हो रहा है, लेकिन दोस्तों इसको हम लोग चाहते हैं यहाँ पे एम्प्टी रहे। और जब इस पर यूजर क्लिक करे कैलेंडर पे तो दोस्तों वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर पाए, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग जाएंगे, इसके एक इवेंट को आप लोगों को जनरेट करना होगा, जो कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे इवेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो वैल्यू चेंज नाम का इवेंट है, जिस पर दोस्तों हम लोग डबल यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक इवेंट जनरेट होके आ जाएगा, जिसमें दोस्तों हम लोग इसको वैल्यू को चेंज करेंगे। तो इवेंट तो दोस्तों जनरेट हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करना है, यहाँ डिजाइन वाले फॉर्मेट पर जाना, फिर से इसको सेलेक्ट करना, और यहाँ पे दोस्तों इसको इसका जो इसका जो दोस्तों यहाँ पे है कस्टम फॉर्मेट, इसमें दोस्तों हम लोगों को स्पेस दे देना है। कस्टम फॉर्मेट है, यहाँ पे एक स्पेस दे देना है, तो ये यहाँ से ये हट जाएगा। अब दोस्तों फिर से इसको सिलेक्ट करना और उसके कोडिंग वाले में जाना और इसको इसको बंद कर देना। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका नाम कुछ रख देते हैं। दोस्तों पता नहीं इसका नाम क्या है, प्रॉपर्टी में चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसका नाम है डेट टाइम पिकर वन, तो वन हटा देते हैं, डेट टाइम रहने देते हैं। तो डेट टाइम पिकर इसका नाम है, तो यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेट यहाँ पे डेट टाइम पिकर डॉट, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कस्टम फॉर्मेट डॉट डॉट नहीं सॉरी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट डालेंगे, जो कुछ जिस फॉर्मेट में हमारा डेट डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे शो हो। तो यहाँ पे पहले हम लोग चाहते हैं पहले डेट शो हो, उसके बाद हम लोग चाहते हैं यहाँ पे मंथ शो हो, उसके बाद हम लोग चाहते हैं ईयर शो हो, इस तरीके से हमारा वहाँ पे शो हो। तो इसको हम लोग कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं तो देखते हैं दोस्तों ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये तो आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी शो नहीं हुआ। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे कोई सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यार, थोड़ा पीछे चलते हैं
यहाँ मान लीजिए 2019 पे चलते हैं, जनवरी पे जाते हैं और एक तारीख पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1/1/2019 आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, जनवरी पे जाने के बाद 3 तारीख पे जाते हैं तो ये इसी फॉर्मेट में यहाँ पे शो आ रहा है। तो यहाँ तक तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग क्या चाहते हैं, अगर दोस्तों मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और दोस्तों यहाँ पे हम लोग बैक बटन प्रेस करें या डिलीट बटन क्लिक करें, तो ये दोस्तों यहाँ से हट जाना चाहिए, टोटल के टोटल हट जाना चाहिए, ये एम्प्टी हो जाना चाहिए। तो ये दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे, इसको करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक और इवेंट को जनरेट करेंगे जिसका नाम है दोस्तों की डाउन। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में चलते हैं, फिर इवेंट वाले सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं की डाउन कहाँ पे लिखा हुआ है, की डाउन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये इवेंट जनरेट हो गया। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इसके अंदर दोस्तों हम लोग पहले देखेंगे दोस्तों कौन सा कीवर्ड यूजर क्लिक कर रहा है। अगर दोस्तों यूजर बैक बटन या डिलीट बटन क्लिक कर रहा है तो दोस्तों इसको इस डेट टाइम पिकर को हम लोगों को एम्प्टी कर देना है, यही दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे करना है। इसको करने के लिए बहुत ही आसान है, जो कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखें, सबसे पहले हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ इसके अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे कीवर्ड लेंगे, पहले कौन सा कीवर्ड यूजर प्रेस कर रहा है, की कोड यहाँ पे आप लोग देखें आ रहा है, ऊपर सजेशन आ रहा है, यहाँ पे एंटर को बेसिकली हम लोगों को हटा के यहाँ पे दोस्तों एंटर को हटा के दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे बैक कीवर्ड लिख देना। अगर दोस्तों यूजर बैक कीवर्ड प्रेस करता है तो दोस्तों वो हट जाना चाहिए। और दोस्तों अगर दोस्तों यूजर की कोड इक्वल वही कंडीशन रहेगा कीज डॉट, अगर दोस्तों यूजर डिलीट बटन भी प्रेस करता है तो भी दोस्तों वहां से हट जाना चाहिए। तो इसको दोस्तों करना ये हो गया दोस्तों। तो यहां पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, डेट टाइम पिकर डॉट कस्टम फॉर्मेट वही करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों बेसिकली आप लोगों को समझ में आ गया है क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को स्पेस लगा देना है और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों हम लोग इसको चेक करते रन करते देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो रन हो चुका है, तो चलिए कोई डेट सेलेक्ट कर देते हैं। और दोस्तों इस बार हम लोग बैक बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सारा का सारा हट गया। इस बार डिलीट बटन को चेक कर लेते हैं, डिलीट बटन प्रेस करते तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सारा का सारा ये हट गया। और दोस्तों हम लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पे दोस्तों एक पहले बटन बनाते हैं, बटन बनाने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे बटन बनाते हैं, पहले डिजाइन पे टैब में चलते हैं और इसको पहले ऑफ कर लेते हैं, डिजाइन टैब में चलते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बटन बनाते हैं जो कि दोस्तों हम लोग रिकॉर्ड को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी वगैरह चेंज कर लेते हैं, टेस्ट में बटन लिखा हुआ है तो इसको हम दे देंगे सेव, सेव हो गया। अब दोस्तों इसके नेम प्रॉपर्टी को भी चेंज कर लेते हैं, बटन लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे सेव बटन। और दोस्तों इस पर हम लोग क्लिक इवेंट जनरेट कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो गया है। तो यहाँ पे जो कंडेंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे अगर दोस्तों क्लिक करें यूजर और इसको सेव करने के लिए, तो ये दोनों को अभी फिलहाल के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ दोस्तों हम लोग ये डेट टाइम पिकर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अगर दोस्तों यूजर इसको डेट वगैरह सेलेक्ट नहीं किया है, अगर दोस्तों इस पर क्लिक करता है तो यहाँ पे एक मैसेज शो कि आप पहले डेट सेलेक्ट कीजिए उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक कीजिए। तो ये करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाएंगे, जो कि दोस्तों आगे के वीडियो हम इन सारे चीज़ों पर वैलिडेशन कैसे लगाते हैं ये सारे चीज़ों के देखने वाले हैं, फिलहाल के लिए दोस्तों इस पर हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों चलते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पे चेक करना होगा कि यूजर ने डेट सेलेक्ट किया है कि नहीं, तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे दोस्तों मैसेज बॉक्स डॉट शो क्या शो हो, तो यहाँ पे पहले शो हो कि डेट ऑफ बर्थ पहले सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे हम लोग वही टाइप करेंगे डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों कुछ और चेंजिंग कर देते हैं, जैसे हो गया डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड, इसका जो एरर होना चाहिए कैप्शन हो गया एरर, और दोस्तों इसके
कि कौन सा बटन शो होना था ये मैसेज बॉक्स में, तो वो हम लोग कर देंगे मैसेज बॉक्स ओके बटन। तो यहाँ पे कैप्शन हो गया मैसेज मैसेज बॉक्स ओके बटन यहाँ पे हो गया। और दोस्तों एरर आइकन जो शो हो किस टाइप का शो हो, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे एरर वाला, तो मैसेज बॉक्स यहाँ पे आप लोग देखें शो कर रहा मैसेज बॉक्स आइकन एरर। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये हमारा काम हो गया। तो चलिए दोस्तों रन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले हम दोस्तों इस पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखें डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे एरर आ गया और ओके बटन शो हो गया। इस बार दोस्तों हम लोग क्लिक करते हैं, अब दोस्तों क्लिक करेंगे तो फिर भी ये आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने गलती किया है, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने इसको इफ कंडीशन के अंदर रैप ही नहीं किया। तो चलिए दोस्तों पहले इफ कंडीशन के अंदर हम लोग इसको रैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ये रहेगा डेट डेट टाइम पिकर डॉट टेक्स्ट इक्वल इक्वल, अगर ये खाली है स्पेस दे देंगे, क्योंकि दोस्तों स्पेस मैंने हम लोगों ने लगाया है वहाँ पे, अगर ये खाली है तो दोस्तों ये कंडीशन रन होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा हम लोगों का शो हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे शो हो गया, क्लिक करते एरर आया, सिलेक्ट करते इस बार डेट ऑफ बर्थ, क्लिक करते तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये शो नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो टाइमिंग वगैरह डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए दोस्तों 19 मान लीजिए 1800 से लेके 2000 तक ही आप लोग चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर पाए, तो इसका जो एक प्रॉपर्टी है जो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जो कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैक्स डेट और मिनिमम डेट, यहाँ पे दोस्तों आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग देखिए दिया गया है 1998 दिया गया, जिसको दोस्तों हम लोग चेंज करके यहाँ पे अपने से लिख दीजिए कीबोर्ड से सिर्फ, यहाँ पे लिख दीजिए एक एक 1900 ये दे दीजिए 1900 सॉरी नहीं 2000 दे दीजिए 2000 ईस्वी तक, और कहाँ से कब से कब तक सेलेक्ट हो तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे एक एक 1990 से लेके 2000 तक यहाँ पे शो हो। तो यहाँ पे इस बार रन करते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2000 ईस्वी तक ही शो हो रहा है, इसके आगे मतलब शो नहीं कर पा रहा। और दोस्तों यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, जन्म तिथि यहाँ पे 1999 है, इसके यहाँ से आप लोग 1990 से लेके जितना चाहे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2000 ईस्वी तक। इस तरीके से दोस्तों अभी आप लोग काम कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग इसी तरह की विजुअल स्टूडियो कोड से सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से .NET फ्रेमवर्क के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, विंडोज एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।